नमस्कार और आप सबको स्वागत है हमारे हिल्स लैब में। और आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस इंडिया होम मेकर्स, जो विनर साहब हुआ है ईस्टर्न जोन से। और आज हम उनसे बात करेंगे। तो उससे बात करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, वो एक हाफलोंग से है, हमारे डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से है। तो एक छोटी सी शहर से वो जाके अपनी वो जो सोच जो जिसमें वो जिस वो मकाम वो उन्होंने हासिल किया है। तो मेरे साथ मौजूद है मीना कुमारी दास, और मेरे साथ लेफ्ट साइड में है किरण बोरो, जो उस प्रोग्राम को वो लोग लीड करते हैं। और काफ़ी दूसरे आउट ऑफ भारत में नहीं, बाहर में भी उन्होंने इसी इंटरनेशनली में उन्होंने जीत हासिल किया है। तो उसे जानते हैं। तो पहला मैं जाती हूँ किरण बोरू के पास, जो आज हफ्तों में आके कैसा लगा, और उससे भी और ये भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो होम मेकर्स जो शो है उसका शो का मीन उद्देश्य क्या है और क्या है होम मेकर्स। तो मेरे साथ तो मैम सबसे पहले आपको हिल्स लैब में स्वागत करता। और तो अब क्या बोलेगा, होम मेकर शो है, काफ़ी लोगों को मतलब कन्फ्यूजन में है या बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये होता क्या है, तो क्या बोलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिसेस इंडिया होम मेकर का जानकारी देने के लिए मैं आज मीना कुमारी ने मेरे को इनवाइट किया, इसीलिए मैं कल यहाँ पहुँचा ये हाफलोंग में। पहले तो मैं हाफलोंग का बारे में सुनी थी, लेकिन मैं आया नहीं था, और गाड़ी लेके आने का भी कोई ये नहीं है, रास्ता घाट बहुत ये ख़राब है ये सुना था, इसीलिए मैं ट्रेन में आई। और आके मेरा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह से मीना कुमारी निकल गई, इसीलिए मीना कुमारी को भी मेरा बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी देती हूँ। इसको अभी मिसेस इंडिया होम मेकर सीजन 3 में भाग लिया था, और इसको चूड़ान्त ये फाइनलिस्ट नहीं, उसको जोनल विनर से ये क्या टाइटल मिला। तो हाँ ईस्ट हाँ हाफलोंग से। सो अभी मिसेस इंडिया होम मेकर क्या है, ये मिसेस इंडिया होम मेकर का मतलब है इसको सब शादीशुदा औरत के लिए, और ये सिर्फ शादीशुदा औरत नहीं, जो लोग अकेला है, डिवोर्स है और विडो है, ये लोगों के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है औरत का साथ बहुत टैलेंट है, लेकिन उन लोगों का टैलेंट दिखा नहीं पाता है, कभी कभी घर का फैमिली का वजह से वो लोग सिपक जाते हैं, और कभी कभी वो निकल मिलने में डर लगता है। इसीलिए ये मिसेस इंडिया होम मेकर का ऑर्गेनाइज़र दिल्ली से है, फैशन गुरुकुल नाम का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र, इनका डायरेक्टर है आयजा नाज जोशी। वो इतना बढ़िया औरत के लिए प्लेटफॉर्म दिया, इसीलिए मैं और मेरा मीना कुमारी की तरफ से भी मैं आभारी हूँ नाज मैम का ऊपर। हाँ तो जो होम मेकर्स में अगर विनर होता है तो वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लोग स्टेप कैसा करते हैं? हाँ, और जब मिसेस इंडिया होम मेकर का फाइनलिस्ट जो ये विनर है, मेन विनर जो है, इनके लिए फिर से इंटरनेशनल जाने के लिए मौका मिलता है, और उनमें इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब सेरेटी का रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग भी मैंने देखने में सिर्फ सुंदर होने से नहीं, दिल से सुंदर होना चाहिए। हाँ हाँ, वही ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण बात है वही, इसीलिए मैं भी मिसेस इंडिया होम मेकर सीजन 2 में भाग लिया था, वहाँ पे मैं रनर्स अप मिली, और उसका बाद मैंने यूएस से लास वेगास में मुझे बुलाया गया था।
तो तब भी वो एग्रीकल्चर रिलेटेड या कोई सौंदर्य का बारे में ये नहीं है, माने औरत लोगों का कोई एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, लॉजिक और हेल्थ इसका बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इसी का ऊपर हम लोग का प्रतियोगिता था। इसीलिए उसका बाद मैंने डरबन मिसेस यूनिवर्स में भी भाग लिया था। जो दिल्ली में यहाँ कौन सा जगह में होता है और इस बार कितना आदमी पार्टिसिपेट हुआ था? दिल्ली में गुड़गांव सुनाई होगा, आजकल गुड़गांव नहीं गुरुग्राम है। गुरुग्राम का जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स सबसे बड़ा जो ये है मन से, वहाँ पे पिछले साल हुई थी, पिछले साल नहीं 2017 का अप्रैल में एक हुआ था। दो साल में दो बार होता था, एक साउथ एशिया है और एक मिसेस इंडिया होममेकर का है। तो पिछले बार सीजन पहले मिसेस इंडिया होममेकर पहले बार दिल्ली में हुई थी, लेकिन किंगडम ऑफ ड्रीम्स से नहीं, सेकंड टाइम गुवाहाटी में हुई थी, असम का कैंडिडेट ज़्यादा था। और थर्ड टाइम इस बार जो मीना कुमारी ने भाग ली थी वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम इस बार 40 कैंडिडेट था। उनका ऊपर दो लेडी क्विट कर दी और 38 का अंडर हुआ था। वहाँ पे इस बार तो बहुत बढ़िया था, दुबई से भी थी और सिंगापुर में भी थी, बॉम्बे में, पुणे से और गुजरात से, बेंगलोर से और महाराष्ट्र का कोई कोई जगह से आई थी, और हम लोग का असम से बीटीएडी से एक है, मेरी ये से मेरा अंदर मीना कुमारी हाफलॉन्ग से है। वही ऐसे धन्यवाद। तो ये था किरण बोरो। तो अब ये जानते हैं ये मीना कुमारी दास से, तो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा था और वो यहाँ हाफलॉन्ग से कहाँ कहाँ गया और कैसा कांटेक्ट होके उसका जो आज जो विनर सब होने का उसको मौका मिला, तो उसके बारे में जानते हैं। तो मीना कुमारी आप क्या बोलेगा? मैं तो क्या बोलूँ, अभी यहाँ पे जब थी तो पार्लर चलाती थी ना, तो यहीं पे लाइफ गुजरता था, तो पता नहीं था ना कहाँ बाहर कैसा होता है क्या होता है। तो जब शादी हुआ मेरा तो मैं बाहर थी, मेरे हस्बैंड लंका से है तो उनके वहाँ गई थी, तो फिर गुवाहाटी में भी हम लोग का फ्लैट है तो वहाँ पे रहते थे, तो हम लोग इधर उधर मतलब देखा, हम लोग का यहाँ का और उधर का तो बहुत अलग है ना, तो वही। और मुझे बहुत पहले से भी इंटरेस्ट था इसमें जाने का, पर वो रास्ता नहीं मिल रहा था ना, मुझे मौका नहीं मिला कहीं से जाने का। तो मेरे हस्बैंड कहाँ गए, मतलब कैसे शुरुआत किया था आपसे? मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने तो करा के दिया था, तो किरण मैम से बात हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़ाया आगे ना, तो बहुत बहुत कुछ मतलब अच्छा अच्छा पॉजिटिव बात कहा मुझे, तो करना है मतलब। उसके बाद में आप गुवाहाटी गए? हाँ गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी में ग्रूमिंग था एक दिन का, तो मैं गुवाहाटी जाने से पहले मतलब ग्रूमिंग से पहले मैं मैम से मिली थी, तो उन्होंने भी कुछ बहुत कुछ बता के दिया, सिखा के दिया मुझे, तो वही मन में लेके गई, तो ग्रूमिंग में भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, सब लोग अच्छा ही बोला था ना, तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद में आप कहाँ गया था? उसके बाद मुझे मतलब कुछ महीना बाद फिर हम लोग कुछ दिन बाद मैं दिल्ली गए हम लोग, तो दिल्ली में वही कंफर्ट जोन में था हम लोग, ग्रेटर कैलाश। हाँ तो ग्रूमिंग का टाइम वहाँ पे हम लोग नवंबर 4 से 7 तक का हम लोग का जर्नी वहाँ पे था ना, तो फाइनल तो वही ड्रीम्स ऑफ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हुआ। फाइनल तो कब हुआ था? 7th को, 7th नवंबर। हाँ जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ किरण मैम को, आयजन जोशी मैम को, उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मुझे वहाँ पे वहाँ तक जाने का, पहुँचने का, जो हम लोग जो नहीं कर पा रहे थे वो कर सके, दिखने को सीखने को सब कुछ मिला वही। तो आपका घर से फैमिली से कैसा कैसा सपोर्ट था अभी उसमें? था मतलब अच्छा ही था, मतलब पहले भी मैं किया था थोड़ा पहले ना, तभी तो भी सपोर्ट किया था, तो इस बार भी हस्बैंड ने भी किया, उनके परिवार ने, मेरे मम्मी भैया लोग सभी ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स लोग भी। इस बार आपने क्या में मतलब विनर्स हुआ इसमें? इस बार इस जॉन का अवार्ड मिला मुझे। तो ये था मीना कुमारी दास और किरण बोरो।
और ये धीमा हासाओं से इस तरह से निकल के आने का सबको भी एक गर्व करते हैं। और हमारे हिल स्लैब का परिवार की तरफ से मीना कुमारी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और यहाँ का जो किरण मैम जो हाफलोंग में आया, उसको शायद उसका लाइफ में पहली बार आया होगा, तो उसको भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से देख के जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नमस्कार।